ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 545 545 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी ने स्कंध 10 अध्याय 58, जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह, उसके प्रथम भाग में प्रथम 29 श्लोकों में श्रवण किया कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हस्तिनापुर पहुंचते हैं जब पांडवों के पुनः प्रकट होने की सूचना ज्ञात होती है। इसके पिछले अध्याय में भगवान हस्तिनापुर पहुंचे थे जब पांडवों के लक्षा गृह में जलकर मर जाने की खबर सर्वत्र व्याप्त थी। उस समय भी कृष्ण और बलराम को पता था कि पांडव और कुंती जीवित हैं, तथापि सामाजिक लोकाचार में जब भगवान को ये ज्ञात हुआ कि पांडव प्रकट हो चुके हैं तो वो पुनः मिलने के लिए पहुंचते हैं। वहां द्रौपदी, सात्यकी एवं अन्य कुरु वंश के संबंधियों से भी भगवान का मिलना हुआ। तथापि युधिष्ठिर और अन्य वरिष्ठ गणों भीष्म, विदुर इत्यादि के द्वारा कहे जाने पर भगवान ने कुछ समय के लिए इंद्रप्रस्थ में भी निवास किया है, जहां एक दिन अर्जुन के संग शिकार करने के लिए निकले भगवान नदी के किनारे टहलती हुई एक सुंदर युवती को देखकर अर्जुन द्वारा ये पूछे जाने पर कि वो किसकी प्रतीक्षा कर रही है, वो कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो सूर्य देव की पुत्री कालिंदी हैं और भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने की अभीप्सित हैं। अर्जुन ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण को वापस आकर बतलाते हैं और भगवान कालिंदी को अपने रथ पर ले आते हैं। तीनों व्यक्ति युधिष्ठिर के निवास स्थान में लौट जाते हैं। बाद में पांडवों ने कृष्ण से अनुरोध किया, उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान के बारे में। तब भगवान के परामर्श से खांडव वन, जो अग्निदेव को ईक्षित था, वो उन्हें प्रदान किए जाने के पश्चात अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को दिव्य आयुध, रथ, अश्व, तरकस ये प्रदान किए। जब खांडव वन जल रहा था, तब मय दानव को अग्नि के लपटों से बचाने का कार्य भी अर्जुन ने ही किया। तो अग्निदेव और मय दानव इस घटनाक्रम में परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी अर्जुन ने दोनों को प्रसन्न किया है और दोनों से ही लाभान्वित भी हुए। मय दानव ने एक शानदार महल सभा भवन बनाकर पांडवों को प्रदान किया। इसी महल में दुर्योधन को, जैसा कि हमने सत्र में श्रवण किया था, बाद में तालाब तल के स्थान पर ठोस फर्श का भ्रम हुआ था, जिससे उसके वस्त्र भीग गए थे, वो परेशान हुआ था। द्रौपदी के किंचित हास्य युक्त, परिहास युक्त शब्दों को उसने अत्यधिक
गंभीरता के साथ लिया था और द्रौपदी को पांडवों सहित दंडित करने का संकल्प भी लिया था। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 58 श्लोक संख्या 30 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे, पर उससे पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदो नोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र 545 545 में सभी का स्वागत है। हम सभी स्कंद 10 अध्याय 58 श्लोक संख्या 30 से आज का सत्र आरंभ करेंगे, जहां अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह। विंध्या अनुविंध्यो आवंत्यो दुर्योधन वशानुगो स्वयं वरे स्वभगिनीं कृष्णे सक्ताम न्यषेधताम। विंध्य तथा अनुविंध्य जो अवंती के संयुक्त राजा थे, दुर्योधन के अनुयायी थे। जब स्वयंवर में पति चुनने का अवसर आया तो उन्होंने अपनी बहन मित्र वृंदा को कृष्ण का वरण करने से मना किया, यद्यपि वह उनके प्रति अत्यधिक आसक्त थी। तो भगवान का अन्य पटरानियों के साथ किस प्रकार विवाह हुआ, वो कथा आरंभ हो रही है। तो हमने इस अध्याय में कालिंदी के बारे में श्रवण किया। तत्पश्चात आचार्य बताते हैं यहाँ पर कि कुरुओं और पांडवों का शत्रु भाव इतना प्रबल था कि मित्र वृंदा के भाइयों विंध्य तथा अनुविंध्य ने दुर्योधन से मित्रता होने के कारण मित्र वृंदा को अपने पति के रूप में कृष्ण का चुनाव करने से मना कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण को ये ज्ञात होता है तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे महाराज परीक्षित को, राजाधिदेव्या तनयाम मित्र वृंदाम पितृश्वशु प्रसह्य यतवान कृष्णो राजन राज्ञां प्रपश्यताम। हे राजन, अपनी बुआ राजाधिदेवी की पुत्री मित्र वृंदा को प्रतिद्वंदी राजाओं की आंखों के सामने से भगवान श्री कृष्ण बलपूर्वक उठा ले गए। मित्र वृंदा के पश्चात
यहाँ बहुत ही संक्षेप में इसका उल्लेख है। नग्न जीत राजा की कथा आती है। नग्न जीत नाम कौशल्या आसित राजा अति धार्मिक तस्य सत्याभवत् कन्या देवी नाग्न जिती नृप। हे राजन, कौशल्य के अत्यंत धार्मिक राजा नग्नजीत की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सत्या अथवा नाग्नजीती था। तो मित्र वृंदा, तुलसी महारानी का भी एक नाम है और हमें स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की ये समस्त पटरानियां लादनी शक्ति का सुंदरतम विस्तार है भगवान की प्रसन्नता के लिए। अलग अलग घटनाओं से संबंधित ये कन्याएं भगवान के संग को सामिप्य को प्राप्त कर रही हैं। श्लोक संख्या 33 में न ताम शेकु नृपा वोढुम अजित्वा सप्त गोवृषान तीक्ष्ण श्रृंगान सुदुर्धुर्षान वीर्य गंधा सहान खलान। जो राजा ब्याहने के लिए आते थे उन्हें तब तक विवाह नहीं करने दिया जाता था जब तक वे तेज सींगों वाले 7 बैलों को वश में न कर लें। ये बैल अत्यंत दुष्ट तथा वश में न आने वाले थे और वे वीरों की गंध भी सहन नहीं कर सकते थे। तो राजा नग्नजीत की ये शर्त थी कि 7 अत्यधिक हिंसक तेज सींगों वाले बैलों को जो एक साथ वश में कर लेगा उसके साथ सत्या अर्थात नाग्नजीती का विवाह होगा। जब भगवान को इस बारे में ज्ञात हुआ तो ताम श्रुत्वा वृषजिल्लभ्याम भगवान सात्वतां पति जगाम कौशल्यपुरम सैन्येन महतावृतम। जब वैष्णवों के स्वामी भगवान ने उस राजकुमारी के बारे में सुना जो बैलों के विजेता द्वारा जीती जानी थी तो वह विशाल सेना के साथ कौशल्य की राजधानी गए। सकौशल पति प्रीता प्रत्युत्थाना सनादि भी अर्हणे नापी कुरुणा पूजयन प्रतिनंदिता। कौशल का राजा कृष्ण को देखकर हर्षित हुआ। उसने अपने सिंहासन से उठकर तथा प्रतिष्ठित पद पर एवं पर्याप्त तो उपहार देकर भगवान कृष्ण की पूजा की। भगवान कृष्ण ने भी राजा का आदर पूर्वक अभिवादन किया। तो परस्पर एक दूसरे को सम्मान प्रदर्शित करते हैं कौशल्याधिपति और भगवान श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 36 में कहते हैं वरम विलोक्याभिमतम समागतम नरेन्द्र कन्या चकमे रमापतिम भूयादयम् मे पतिया शिशो अनल करो तु सत्या यदि मे धृतो व्रत। जब राजा की पुत्री ने देखा कि वह सर्वाधिक उपयुक्त दूल्हा आया है तो उसने तुरंत ही रमापति कृष्ण को पाने की कामना की। उसने प्रार्थना की वे मेरे पति बने, यदि मैंने व्रत किए हैं तो पवित्र अग्नि मेरी आशाओं को पूरा करे। यत पादे पंकज रजः शीर्षा बिभर्ति श्रीरब जजः सगिरिशः सहलोकपाले लीला तनु स्वकृत सेतु परिप्सयायः काले अधत् स भगवान मम के न तुष्यत्। देवी लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव तथा विभिन्न लोकों के शासक उनके चरण कमलों की धूलि को अपने सिरों पर चढ़ाते हैं और जो अपने द्वारा निर्मित धर्म संहिता की रक्षा के लिए विभिन्न कालों में लीला अवतार धारण करते हैं भला वे भगवान मुझ पर कैसे प्रसन्न हो सकेंगे। तो नाग्नजीती भगवान के मूल स्वरूप से परिचित हैं।
विचार करती हैं कि यदि केवल और केवल कृष्ण की कृपा होगी तभी कृष्ण मुझे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये वो हैं जो अपने द्वारा निहित धर्म संहिता की रक्षा के लिए विभिन्न कालों में लीला अवतार धारण करते हैं, जिनके चरण कमलों की धूलि को विभिन्न देव लोकों के अधिपति अपने सिरों पर चढ़ाते हैं। ऐसा कौन सा उद्यम मैं अपने प्रयास से कर सकूं जिससे वो मुझे प्राप्त हो, कहने का आशय है। वो प्रार्थना करती है कि भगवान, यदि आपकी इच्छा हो, आप मुझसे प्रसन्न हो, तो कृपया मुझ पर कृपा करें। अर्चितम पुनः इत्याह नारायण जगतपते आत्मानंदेन पूर्णस्य करवाणी किमल्पक। सर्वप्रथम राजा नग्नजीत ने भगवान की समुचित पूजा की और तब उन्हें संबोधित किया। हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रहते हैं, अतः यह तुच्छ व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है। तो इधर पिता कृष्ण से पूछते हैं कि आपकी प्रसन्नता के लिए क्या किया जाए। सुखदेव गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि एक ओर कन्या द्वारा अपने अभीप्सित वर को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जा रही है, दूसरी ओर पिता का व्यवहार भी कृष्ण के प्रति सम्मानजनक है। श्लोक संख्या 39 में श्री शुक वाच तमाह भगवान यष्ट कृतासन परिग्रह मेघ गंभीरया वाचा सस्मितं कुरु नंदन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुनंदन, भगवान प्रसन्न थे और सुविधाजनक आसन स्वीकार करके वे मुस्कुराए तथा मेघ गर्जना सदृश धीर गंभीर वाणी में राजा से बोले, श्री भगवान वाच नरेन्द्र याचा कवि भीर विकलिता राजन्य बंधो निज धर्म वर्तिना तथापि याचे तव सौय दीक्षया कन्या त्वदीया नहि शुक्लदा वयम्। भगवान ने कहा, हे मनुष्यों के शासक, विद्वान जन धर्म में रत राजवर व्यक्ति से याचना करने की निंदा करते हैं, तो भी तुम्हारी मित्रता का इच्छुक मैं तुमसे तुम्हारी कन्या को मांग रहा हूँ, यद्यपि हम बदले में कोई भेंट नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने शर्त जानते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से पहले कन्या की याचना की है। इसलिए पहले जब कन्यादान शब्द प्रयोग किया गया है शास्त्रों में, तो वो अत्यधिक सम्मानित स्वर में, वो कोई संपत्ति समझकर देने वाले अर्थ में नहीं कहा गया है, अभी तो सामने वर पक्ष से कन्या की याचना की जाती है, और इसलिए उसे दान स्वरूप अपनी प्रिय वस्तु, अपनी प्रिय और वस्तु का संबंध यहाँ किसी अचल संपत्ति से नहीं है, तथापि ऐसे सौभाग्य युक्त आचार्य कहते हैं बहुत सारी बातें इन कन्यादान शब्द से संबंधित। यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नग्नजीत के प्रण के बारे में जानते हुए भी ये अनुभव करते हुए कि नाग्नजीति श्रीमती राधा रानी के विस्तार स्वरूप शक्तियों के अंश पुंज में यहाँ निवास करती हैं, भगवान स्वयं याचना करते हैं, भक्ति की याचना, भक्ति के पास तक भगवान अपनी लीला में प्रदर्शित करते हैं कि स्वयं पहुंचना होता है। इसलिए साधक के रूप में हमें जीवन में यदि कोई याचना करनी है तो भक्ति की याचना करनी। भगवान ने याचना की है और राजा ने उत्तर दिया है, श्री राजोवाच को अन्यते अभ्यधिको
नाथ कन्यावरेहेप्सित गुणेक धाम्नो यस्यांगे श्रीवसति अनपायिनी। राजा ने कहा, हे प्रभु, भला मेरी पुत्री के लिए आपसे बढ़कर और कौन वर हो सकता है? आप सभी दिव्य गुणों के धाम हैं। आपके शरीर पर साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं और वे किसी भी कारण से आपको कभी नहीं छोड़ती। तो नग्न जी समझते हैं कि भगवान से अधिक सुयोग्य वर उनकी कन्या को भला कहाँ से प्राप्त होगा। तथापि लोकाचार में जो शर्त नग्नजीत ने रखी है उससे वो भगवान को सूचित करते हैं। किंतु अस्माभि कृत पूर्वम समयः सात्वत ऋषभ पुंशाम वीर्य परीक्षार्थम कन्यावर परिप्सया। किंतु हे शाश्वत सात्वत प्रमुख, अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त पति सुनिश्चित करने के लिए हमने उसके संभावित वरों के पराक्रम की परीक्षा करने के लिए पहले से ही एक शर्त निश्चित की हुई है। तो शर्त विनम्रता पूर्वक रखी है यहाँ पर नग्नजीत ने, और विशेष रूप से भगवान कृष्ण के लिए नहीं रखी है, तथापि वो पहले से सुनिश्चित थी। तो जहाँ एक और मित्रवृंदा के पिता कृष्ण से द्वेष रखते हैं, वहीं नग्नजीत यहाँ पर आत्मनिवेदन, अपने आप को प्रस्तुत करते हुए अपने वचनों का मान कृष्ण द्वारा रखे जाने का अनुरोध करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नग्नजीत के द्वारा ये परीक्षा रखने का वास्तविक उद्देश्य श्री कृष्ण को दामाद रूप में प्राप्त करना था। उनके अतिरिक्त, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई बैलों को वश में कर ही नहीं सकता था। और ऐसी परीक्षा यदि नहीं रखी जाती नग्नजीत के द्वारा, तो अपनी पुत्री के पाणिग्रहण के निमित्त आए अनेक योग्य प्रतीत होने वाले राजकुमारों तथा राजाओं को मना कर पाना नग्नजीत के लिए कठिन होता। इसलिए ऐसे वर का, ऐसे कठिन परिश्रम का चुनाव किया जो केवल और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही संभव था। सप्ते ते गो वृषा वीर दुर्दांता दुर्वग्रहा एते भग्ना सु बहवो भिन्न गात्रा नृपात्मजाम। हे वीर, इन सातों खूंखार बैलों को वश में करना असंभव है। इन्होंने अनेक राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उन्हें परास्त किया है। यदि मे निगृहीता स्यु त्वया एव यदुनन्दन वरो भवान भीमतो दुहितु मे श्रियपते। हे यदुवंशी, यदि आप इन्हें वश में कर लें तो निश्चित रूप से हे श्रीपति, आप ही मेरी पुत्री के उपयुक्त वर होंगे। एवं समयम आकर्ण्य बद्ध्वा परिकरम प्रभु आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगृह्णा लीलयैव तान्। इन शर्तों को सुनकर भगवान ने अपने वस्त्र कसे अपने आप को सात रूपों में विस्तारित किया और बड़ी आसानी से बैलों को वश में कर लिया। सात दुर्दांत बैलों को वश में करने के लिए भगवान ने सात रूप में विस्तार किया है। और क्योंकि ये कार्य केवल भगवान द्वारा किया जा सकता है, इसलिए नागनजीति भगवान को प्राप्त हुई। अन्य राजकुमारों के द्वारा ऐसा सोचना भी असंभव है, और यही मानव और भगवान का अंतर स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त भी है। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं यहाँ पर, भगवान कृष्ण ने अपने को सात रूपों में न केवल सात बैलों को खेल खेल में हराने के लिए विस्तारित किया, अभी तो राजकुमारी सत्या नागनजीती को ये दिखलाने के लिए भी कि उन्हें अन्य रानियों से कभी होड़ करने की आवश्यकता नहीं, और अन्य रानियों को भी
जब नागन जीती द्वारका ले जाई जाए तो किस प्रकार प्राप्त हुई ये घटना समझने के पश्चात कोई फोड़ न हो, सब एक दूसरे के साथ केली करके रह सके, मित्रता पूर्वक रह सके। ये विषय कई बार आता है कि क्यों पहले एक एक राजा को एक से अधिक कन्याओं के साथ विवाह करना शास्त्र सम्मति में दिखाया जाता है, और इस पर हमने पहले भी आचार्यों के स्वर का और व्यवहारिक वास्तविक गणना के अनुसार उल्लेख किया था कि किसी भी देश काल में भगवान की शक्तियां प्रकृति का स्त्री तत्व सदैव अधिक संख्या में उपलब्ध होता है। तो किसी भी सामान्य तरीके में जहाँ भ्रूण हत्या जैसे कार्य ना किए जा रहे हो, उस समय आकलन में देखा जाए तो सामान्यतया विधाता की रचना में स्त्री तत्व की संख्या, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक रहती है, और जो सामाजिक सामर्थ्य के साथ अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार आचरण कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्ष उच्च गुण कर्म और स्वभाव वाले वर्ण के जीवों को एक से अधिक कन्या के संग विवाह की अनुमति दी। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, तथापि सामाजिक सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए। किसी भी सभ्यता में माताओं को, स्त्रियों को, कन्याओं को भावी राष्ट्र के निर्माता नागरिकों को जनित करने का, पोषित करने का उत्तरदायित्व वहन करना होता है। अन्य कोई भी, यहाँ तक कि पिता के द्वारा भी इसमें सहायता की जाती है, पर जो मूल शिक्षा, इसीलिए माता को प्रथम गुरु कहा गया है, मूल शिक्षा प्रदान की जाती है वो माता के द्वारा होती है। संतान, बालक, बालिकाएं, युवा, वृद्ध और माताएं किसी भी समाज में सुरक्षित रहें, इसकी जिम्मेदारी उच्च गुण कर्म और स्वभाव वाले लोगों की होती है। इसलिए जब भगवद गीता अध्याय एक में अर्जुन के द्वारा युद्ध न किए जाने के कारणों के बारे में बताया जा रहा है, वहां पर भी इसका उल्लेख किया गया। भौतिक जीवन में, वर्तमान में हर मनुष्य शोषण करने की प्रवृत्ति में है, प्रकृति के संसाधनों का भी शोषण किया जाता है अपने लाभ के लिए, ये विचार किए बिना कि कई बार ये लाभ कालिदास के द्वारा जैसे जिस टहनी पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, ऐसा मूर्खतापूर्ण लाभ प्राप्त करने की कामना से करता हुआ प्रतीत होता है। और इसलिए एक से अधिक विवाह को भी इंद्रिय सुख भोगने की प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है। इसलिए कलयुग में एक पुरुष के द्वारा एक से अधिक स्त्री के साथ विवाह की स्वीकृति नहीं है शास्त्रों में। भगवान अपने अलग अलग स्वरूप विस्तार से अलग अलग सूचनाएं प्रदान करते हैं। भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत, मर्यादा पुरुषोत्तम का जब लीला संचालन किया है तो धारण किया। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त जगत के रक्षक स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए सभी आकांक्षी भक्तों को संरक्षण आश्रय प्रदान किया है, और जिस सामर्थ्य के साथ भगवान ने प्रदान किया है वहां स्पष्ट किया गया कि यदि ऐसा सामर्थ्य ना हो तो एक से अधिक विवाह की अनुमति नहीं है, अर्थात एक समय में एक से अधिक पत्नी नहीं हो सकती। आगे हम देखेंगे, नारद मुनि बताएंगे प्रत्येक
रानी के पास एक अपना भवन है, प्रत्येक भवन में भगवान प्रत्येक रानी के साथ एक ही समय पर भिन्न भिन्न गतिविधियों में संलग्न है। यदि ये सामर्थ्य नहीं है तो फिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए विवाहों की संख्या गिनवाकर उनका अनुकरण करने की भौतिक इच्छा, कामना, लिप्सा, आकांक्षा अत्यधिक निंदनीय है, अस्वीकृत है। तो नाग्नजीति को प्राप्त करने के क्रम में भगवान ने इस प्रकार सात स्वरूप विस्तार करके उन सात दुर्दांत दुष्ट बैलों को साधा है। श्लोक संख्या 46 में कहते हैं, बद्ध्वा तांडव भीषौरी भग्न दर्पान हतौजस व्यर्कषत लीलया बद्धान बाल दारु मयान्यथा। भगवान शौरी ने उन बैलों को बांध लिया जिनका घमंड तथा बल अब टूट चुका था, और उन्हें रस्सियों से इस तरह खींचा जिस तरह कोई बालक खेल में लकड़ी के बने बैलों के खिलौनों को खींचता है। तो भगवान ने सातों बैलों को अपने काबू में कर लिया है और रस्सियों से नतकर उनको इस प्रकार खींचा है जैसे लकड़ी के बड़े बैलों के खिलौनों को खींचा जाता है। श्लोक संख्या 47 में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, तत प्रीत सुताम राजा ददौ कृष्णाय विस्मित ताम प्रत्य गृहाणद भगवान विधिवत सदृशिम प्रभु। तब प्रसन्न तथा चकित राजा नग्नजीत ने अपनी पुत्री भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दी। भगवान ने इस अनुरूप दुल्हन को वैदिक विधि के साथ स्वीकार किया है। तो हमने किनके किनके बारे में श्रवण किया? कालिंदी के बारे में, मित्र वृंदा के बारे में और अब नाग्नजीति के बारे में। आचार्य कहते हैं यहाँ पर, सुंदर राजकुमारी भगवान के लिए उपयुक्त दुल्हन थी, उनमें वे सभी अद्भुत गुण उपस्थित थे जो भगवान के द्वारा प्रदत्त भगवान से उत्पन्न शक्तियों में उपलब्ध होते हैं। नग्नजीत अपने जीवन में सहसा घटित होने वाली इस घटना से जो असामान्य थी, कोई मनुष्य सात रूपों में विस्तार करके सात बैलों को यूं साध ले, नग्नजीत उससे अत्यधिक विस्मित थे। ये असामान्य घटना थी उनके जीवन की। और इधर जिन राजकुमारियों को भगवान पति रूप में प्राप्त हुए वो अत्यधिक हर्ष से अनुग्रहित हैं। राजपत्न्या च दुहितु कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं लेभिरे परमानन्दं जातश्च परमोत्सव। राजकुमारी को भगवान कृष्ण के प्रिय पति के रूप में प्राप्त होने पर राजा की पत्नियों को सर्वाधिक आनंद प्राप्त हुआ और अतीव उत्सव का भाव जाग उठा। शंख भेया नकाने दो गीतवाद्य द्विजाशिष नरा नार्य प्रमोदिता सुवासस्त्रक अलंकृता। गीत तथा वाद्य, संगीत और ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वाद देने की ध्वनियों के साथ साथ शंख, तुरही तथा ढोल बजने लगे। प्रमुदित नर नारियों ने अपने को सुंदर वस्त्रों तथा मालाओं से अलंकृत किया। दशधेनु सहस्त्राणि परिबर्हम मदाद्विभु युवतीनां त्रिसाहस्रम निष्कग्रीव सुवाससम
नवनाग सहस्राणि नागाक्षत गुणान् रथान्, रथाक्षत गुणान् अश्वान्, अश्वाक्षत गुणान् नरान्। शक्तिशाली राजा नग्नजीत ने दहेज के रूप में 10,000 गौवें, 3,000 युवा दासियां जो अपने गले में सोने के आभूषण पहने हुई थी तथा सुंदर वस्त्रों से अलंकृत थी, 9,000 हाथी, हाथियों के 100 गुना रथ, रथों के 100 गुना घोड़े तथा घोड़ों के 100 गुने नौकर सेवक प्रदान किए। मामूली संख्या नहीं है ये। जब हम हजारों हजार में हाथियों, रथों और अश्वों की संख्या सुनते हैं, और जब हम कई हजारों में सैनिकों की संख्या सुनते हैं, तो हम विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वर्तमान में कहा जाता है कि पहले की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं थी, इसलिए संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की आवश्यकता नहीं थी। पर महाभारत काल तक हम श्रवण करते हैं, 23 अक्षौहिणी सेनाएं जरासंध के पास हैं, 11 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ कौरव महाभारत के युद्ध में उतरते हैं, 7 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ पांडव उतरते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य राजा महाराजाओं की अपनी अपनी सेना समय काल पर रही है। तो ऐसा नहीं है कि जनसंख्या बढ़ने से हमें प्रकृति का दोहन करने की आवश्यकता है, प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने जा रहे हैं। अभी तो सत्य यह है कि प्रकृति का समुचित आदर न करने से, महाराज पृथु के प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में यहीं पर हमने श्रवण किया इन्हीं सत्रों में, कि जब राजा का आचरण सत्य से युक्त नहीं होता, प्रजा धार्मिक बिंदुओं को भूलकर व्यवहार करती है, तब माता पृथ्वी अपने संसाधनों को समेट लेती है, और जब धर्म के अनुकूल आचरण होता है तो वो प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम है। तो ये 10,000, ये संख्या की 9,000 हाथी, हाथियों का 100 गुना रथ, 9,000 के आगे 100 से गुणा करने पर रथ आएगा, और रथों की संख्या में 100 से गुणा करने पर घोड़े, और घोड़ों की संख्या में 100 से गुणा करने पर नौकर। इतने भरपूर संसाधनों के साथ राजा नग्नजीत ने अपनी कन्या नाग्नजीती को भगवान को समर्पित किए। विश्वास करने में हमें कठिन लग सकती हैं संख्याएं, लेकिन वर्तमान जगत में भी देखा जाए, यदि बहुत ही सरल से उदाहरण देने का प्रयास रहेगा, यदि हमने पानी में जीवों को नहीं देखा होता और कोई कहता कि ऐसे भी जीव हैं जो सदैव पानी में रहते हैं, तो हमें विश्वास ना होता, पर हम देख रहे हैं। यदि कहें कि कोई जीवित प्राणी ऐसा है जो एक साथ 150 बच्चे, 150 तक की संख्या में बच्चे पैदा कर सकता है, तो हमारे लिए इसको किसी सत्य के रूप में दूर दूर तक प्राप्त करने की स्वीकृति ना रहेगी। पर यही वर्तमान का जीव विज्ञान सिखाता है कि कॉकरोच एक बार में 40, 60, 80, यहाँ तक कि 150 से अधिक अंडे दे सकता है। तो ये बातें इसीलिए भौतिक इंद्रियों से यदि समझ में नहीं आ रही हो कि भगवान कैसे सात स्वरूप विस्तार कर सकते हैं, भगवान कैसे अचिंत्य हैं, असीम हैं, सर्वव्यापी हैं, तो हमें इन साधारण से उदाहरणों को समझते हुए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि आपकी कृपा से आपके बारे में जानने की, मानने की हमारी प्रवृत्ति में वर्धन हो। आगे श्लोक संख्या 52 में कहते हैं, दंपती रथम आरोप्य महत्यासीन यावृतो स्नेह प्रक्लिन्न हृदयो यापयामास कोशल। स्नेह से द्रवीभूत हृदय से कौशल के राजा ने वरवधु को उनके रथ पर बैठा दिया, और तभी एक विशाल सेना के साथ उन्हें विदा कर दिया। श्रुत्वे एतत् रुधु भूप नयन्तं पथि कन्यकाम्।
भग्न वीर्यासु दुर्मर्षा यदु भीगो वृषेपुरा। जब स्वयंवर में आए विष्णु प्रद्युम्न राजाओं ने सारी घटनाओं के बारे में सुना तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी दुल्हन घर ले जाते समय मार्ग में रोकना चाहा, किंतु जिस तरह इसके पूर्व बैलों ने राजाओं के बल को तोड़ दिया था, उसी तरह यदु योद्धाओं ने उनको उनके बल को तोड़ दिया। तो भगवान को इन राजाओं से मुकाबला करने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि हमने आरंभ में ही श्रवण किया, भगवान विशाल सेना के साथ नग्नजीत के राज में प्रवेश करते हैं। तो यदुवंशी वीरों ने ही इन राजाओं के बल को तोड़ दिया है। श्लोक संख्या 54 में तानस्य तशरव्रातान् बंधु प्रिय कृदर्जुना गांडीवी कालयामास सिंह शुद्र मृगान इव। गांडीव धनुर्धारी अर्जुन अपने मित्र कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे, अतः उन्होंने उन सारे प्रतिद्वंदियों को भगा दिया जो भगवान पर बाणों की झड़ी लगाए हुए थे। उन्होंने यह सब वैसे ही किया जिस तरह एक सिंह क्षुद्र पशुओं को खदेड़ देता है। तो यहाँ पर स्वयं अर्जुन उपस्थित हैं इन राजाओं को परास्त करने के लिए। आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। पारी बरहम उपागृह्य द्वारिकामित्य सत्यया रेमे यदूनाम ऋषभो भगवान देव की सुत। तब यदुओं के प्रधान भगवान देव की सुत दहेज तथा सत्या को लेकर द्वारका गए और वहां सुखपूर्वक रहने लगे। श्रुत कीर्ते सुताम भद्राम उपये मे पितृश्वसु कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्ताम कृष्ण संततनादिभिः। भद्रा कैकेय राज्य की राजकुमारी तथा कृष्ण की बुआ श्रुति कीर्ति की पुत्री थी। जब संतर्दन इत्यादि उसके भाइयों ने उसे कृष्ण को भेंट किया तो उन्होंने भद्रा से विवाह कर लिया। कौन कर सकता है भद्रा से विवाह, सत्या से विवाह, कालिंदी से विवाह, मित्र वृंदा से विवाह? ये सब ये विभिन्न विभूतियां हैं जो अलग अलग स्थानों पर प्रतीकात्मक रूप से राजनैतिक सामरिक संबंधों की पुष्टि करते हुए दिखती हैं, और आध्यात्मिक रूप में ये भगवान से अभिन्न रहने वाली भगवान की शक्तियों का विस्तार है। सुताम च मद्र अधिपते लक्ष्मणाम लक्षणे युताम स्वयंवरे जहां एक ससुपर्ण सुधामिव। तब भगवान ने मद्र राज की कन्या लक्ष्मणा से विवाह किया। कृष्ण अकेले ही उसके स्वयंवर समारोह में गए थे और उसे उसी तरह हर ले आए जिस तरह गरुड़ ने एक बार देवताओं का अमृत चुरा ले लिया था। तो अगली पटरानी के रूप में लक्ष्मणा से भगवान ने विवाह किया। स्वयंवर में आयोजित घटनाक्रम में भगवान लक्ष्मणा को विजित करके द्वारका ले आते। श्लोक संख्या 58 में अन्या चैवं विधा भार्या कृष्णस्य आसन सहस्रश ओमम हत्वा तत् निरोधात् आह्यताश्चारु दर्शना। भगवान कृष्ण ने इन्हीं के समान अन्य हजारों पत्नियां तब प्राप्त की जब उन्होंने भौमासुर को मारा और उसके द्वारा बंदी बनाई गई सुंदरियों को छुड़ाया। तो वो कथा हमें आगे श्रवण करने को मिलेगी। यहाँ बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में भगवान की 8 पटरानियां कौन है?
सबसे पहले रुक्मिणी देवी, तत्पश्चात जाम्बवती, उसके बाद सत्यभामा, तत्पश्चात कालिंदी, उसके बाद मित्रवृंदा, मित्रवृंदा के पश्चात सत्या नागनजीति के बारे में बताया गया है। और भद्रा और लक्ष्मणा ये अन्य दो हैं। तो इस प्रकार से पटरानियों के पश्चात भौमासुर को मारकर उसके द्वारा बंदी बनाई गई सुंदरियों की कथा हम आगे भी श्रवण करेंगे। यहाँ एक श्लोक में इसे कहा गया है, क्योंकि यहाँ विशेष रूप से पांच पटरानियों के साथ अन्य पटरानियों के साथ विवाह की बात की गई है। तो जाम्बवती, सत्यभामा और रुक्मिणी के बाद लक्ष्मणा, भद्रा, मित्र वृंदा, सत्या और कालिंदी, इनके साथ भगवान के विवाह की सूचना कथा सुखदेव गोस्वामी यहाँ महाराज परीक्षित से वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत श्री कृष्ण का पांच राजकुमारियों से विवाह नामक 58वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो अध्याय 58 यहाँ पर समाप्त होगा। अध्याय 58 के साथ ही ये सत्र भी यहाँ समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम सभी अध्याय 59 नरकासुर के वध के बारे में श्रवण करेंगे। तो जहाँ सुखदेव गोस्वामी यहाँ श्लोक संख्या 58 में कह देते हैं कि भौमासुर को मारकर उसके द्वारा बंदी बनाई गई राजकुमारियों को भगवान ने मुक्त कराया, उन्हें संरक्षित किया, वहीं परीक्षित के द्वारा प्रश्न किए जाने पर अगले अध्याय में 45 श्लोकों के द्वारा इस कथा को वर्णित किया गया है। तो अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी प्रकार की जिज्ञासा टिप्पणी के लिए आप अपने विचार जहां ग्रुप में जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर सकते हैं। सभी को अतीव अतीव साधुवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदे की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।